हेलो स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज 13.4 ऑफ चैप्टर ज्योमेट्रिकल शेप्स. क्वेश्चन नंबर वन इज राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स इन द फॉलोइंग फिगर्स. बेटा, इन दिस कंप्लीट एक्सरसाइज फिगर्स आर गिवन टू यू, सो यू हैव टू ओनली यू हैव टू ऑब्जर्व द फिगर एंड टेल योर आंसर. इन दिस क्वेश्चन रेक्टेंगल्स आर आस्किंग, मीन्स इस फिगर जो आपके पास बना हुआ है इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं आपके पास. क्लियर? सो लेट स्टार्ट. देखो बेटा, फर्स्ट रेक्टेंगल आपके पास ये हो जाएगा, राइट? नेम विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू कैन राइट वन. सेकेंड रेक्टेंगल दिस वन. क्लियर? थर्ड वन दिस वन. आई एम रिपीटिंग. थर्ड दिस वन इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स. सिक्स रेक्टेंगल तो आपके पास ये हैं. सेवन एक ही कंप्लीट बड़ा वाला सेवन है, हो गया बेटा पूरा? अच्छा, सेवन रेक्टेंगल्स हो गए आपके पास. अब फॉर एग्जांपल वन प्लस फोर को ऐड कर दें. ऐड मतलब वो नहीं करना है वन प्लस फोर फाइव हो गया, वो नहीं बेटा. मीन्स इन दोनों को अगर इकट्ठा कर दें, ये एक कंप्लीट रेक्टेंगल ये बन रहा है आपके पास. तो सेवन हो गए थे, एट इन दोनों को इकट्ठा करने बन जाएगा, नाइन इन दोनों को इकट्ठा करने पर, और टेन इन दोनों को इकट्ठा करने पर. ऐसे क्लियर है बेटा? तो टेन रेक्टेंगल आपने बना दिए हैं, ध्यान रखना. उसके बाद फाइव और सिक्स को ऐड करके भी एक रेक्टेंगल बनता है. देखो इलेवन बना दिए. अच्छा जी, अब यहाँ देखो फोर फाइव को ऐड करके भी एक रेक्टेंगल बन रहा है. ट्वेल्व रेक्टेंगल बना दिए हमने. इन तीनों को भी आपके पास रेक्टेंगल बनता है, कैसे? थर्टीन बन गए हैं. क्लियर? दोबारा लाइनें लगा देंगे आप. सेम वन प्लस टू को भी रेक्टेंगल बनता है, अगर बाई चांस ऐड कर दे तो. यूँ देखो, इसको ये लाइन ना हो तो बाई चांस एक बन जाएगा आपका वन प्लस टू को करने पे. अच्छा बेटा, फोर्टीन हो गया. अब एक टू प्लस थ्री को ऐड करने पे हो जाएगा फिफ्टीन रेक्टेंगल्स बन गए हमारे. और एक इन तीनों को ऐड करने पर, देखो बाई चांस ये लाइन ना हो तो ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है. सिक्सटीन हो गए आपके पास भाई. इसके अलावा भी क्या कोई रेक्टेंगल बनता है बेटा? सो इस फिगर में जो हैं आपके पास, देयर आर 16 रेक्टेंगल्स. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन के बेटा टू पार्ट और हैं आपके पास. वे आप ऐसे सेम ऐसे आपको रेक्टेंगल फाइंड आउट करने हैं कि फिगर में कितने रेक्टेंगल्स बनते हैं. यू हैव टू डू दैट वन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट द नंबर ऑफ स्क्वेयर. फिगर गिवन है आपके पास. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वेयर. तो वन स्क्वेयर, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. सिक्स स्क्वेयर तो आपके पास ही हैं छोटे छोटे. अब ये जो पूरा आपके पास कंप्लीट है, ये आपका स्क्वेयर नहीं है बेटा. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. हाँ जी, पर देखो एक बार, अगर ये लाइनें बीच में से हट जाएं तो ये आपके पास एक स्क्वेयर बन जाता है. सिक्स स्क्वेयर तो हमारे छोटे छोटे आ गए थे, स्मॉल. नाउ एक आपका इन तीन चारों को ऐड करने के बाद एक स्क्वेयर आपका ये बन जाएगा. सिक्स प्लस वन सेवन. नाउ अगेन मेक दिस लाइंस. सेम ऐसे ही इन फोर स्क्वेयर्स का भी एक कंप्लीट बड़ा स्क्वेयर बन जाएगा. वन प्लस टू प्लस फाइव प्लस सिक्स को ऐड करने पर यू विल गेट वन मोर स्क्वेयर. सो वन स्क्वेयर और हो गया आपके पास. सो टोटल स्क्वेयर आपके पास कितने हो जाएंगे इस फिगर में बेटा? एट. क्लियर है? इन क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. इसमें आपको ट्राइंगल्स बताने हैं. ट्राइंगल्स इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? सो लेट्स सी. फर्स्ट आप ये देखिए, ये वाला दिस वन जिसके ऊपर हम मार्कर रिपीट कर रहे हैं बेटा. आपके पास ये ट्राइंगल बन रहा है वन, राइट? वन हेयर. सेकेंड ट्राइंगल आपके पास ये हो गया,
थर्ड, फोर्थ आपके पास ये छोटा सा, फिफ्थ दिस वन, सिक्स दिस वन, और देखो बेटा वन और टू को मिला के ये देखिए ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। फॉर एग्जांपल बीच में ये लाइन ना हो, क्लियर है? सो ये सिक्स तो आपके यहाँ इसमें बन रहे थे, वन टू को मिला के आपका सेवन ट्रायंगल बनता है। और सेम ऐसा ही आपके पास इन चारों को मिला के मीन्स सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री को मिला के भी आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, दैट इज़ एट्थ ट्रायंगल। सो इस फिगर में बेटा कंप्लीट में आपके पास कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? एट ट्रायंगल्स। क्लियर है बेटा? ऐसे ही थ्री पार्ट्स और हैं, उसमें भी आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है कितने ट्रायंगल बनते हैं इनमें। सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा, पुट अ बैंगल और अ 5 रुपीज क्वाइन ऑन ए पेपर, मूव योर पेंसिल अराउंड इट एंड व्हाट्स प्लेन फिगर डू यू गेट। फर्स्ट आई एम टेकिंग अ बैंगल। इन्होंने बोला है कि आप एक बैंगल लें या 5 रुपीज का क्वाइन लें। ये मैंने बैंगल ले लिया बेटा, इसके चारों तरफ आपको पेंसिल से ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है? यू हैव टेक एनी कलर्ड पेपर, ऐसे आप राउंड करने के बाद। हाँ जी, ये पूछ रहा है आपको किस क्या शेप मिल रही है इस फिगर के। दिस इज अ शेप ऑफ सर्कल एंड इन द केस ऑफ 5 रुपीज क्वाइन सेम यू गेट अ सर्कल, यू हैव टू डू लाइक दैट। सो कलर्ड पेपर लेना बेटा एक बार आप कोई भी, और उसके ऐसे राउंड करके पेंसिल से, उसके बाद क्या करना है उसको आपने चारों तरफ से क्या कर लेना, कट कर लेना है इसको, और वो आपके पास वो आ जाएगा पेपर, पीस ऑफ पेपर। सेम इन द केस ऑफ कॉइन आल्सो, इन द केस ऑफ बैंगल आल्सो, एंड यू हैव टू पेस्ट इन योर फेयर नोटबुक आफ्टर डूइंग थर्ड क्वेश्चन। क्लियर बेटा? इन बोथ केसेस यू गेट अ फिगर ऑफ ए सर्कल। क्लियर? थैंक यू बेटा, डू दिस एक्सरसाइज एंड सबमिट टू माई पर्सनल नंबर।